दोस्तों आज हम आपको मैजिक मग प्रिंट करके दिखाएंगे। ये ब्लैक मग है पूरा, इसके ऊपर प्रिंटिंग करेंगे। ये मशीन है हमारी हीट ट्रांसफ़र मशीन, मग ट्रांसफ़र मशीन भी बोलते हैं इसको। और ये पेपर है जिसके ऊपर हमने सब्लिमेशन प्रिंट निकाल लिया है। इस सब्लिमेशन प्रिंट को हम यहाँ पर इसमें जैसे नॉर्मल मग प्रिंट करते हैं इसके ऊपर लगा के और फिर इसको हीट देंगे और उसके बाद ये प्रिंट हो जाएगा और ये ऑटोमेटिकली वाइट हो जाएगा क्योंकि ये मैजिक मग है। ये वाइट हो जाएगा और इसमें इमेज विजिबल हो जाती है। जैसे जैसे ये ठंडा होएगा फिर ये ऐसे ही ब्लैक हो जाएगा और फिर जब आप इसके अंदर चाय या गरम कॉफ़ी या गरम पानी या गरम दूध डालेंगे तो ये वाइट हो जाता है और फिर इमेज इसमें विजिबल हो जाती है, इसलिए इसको मैजिक मग बोला जाता है। तो चलिए दोस्तों लेट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं, आपको प्रैक्टिकली ये करके दिखाते हैं। ये दोस्तों मैंने वाइट जो मेरा प्रिंट था, जो एक साइड से प्रिंट है और एक साइड से वाइट होता है सब्लिमेशन पेपर, ये मैंने मग के ऊपर लगा लिया है और अब मैं मशीन ऑन कर देता हूँ। और जैसे ये मशीन हीट हो जाएगी, 350 हो जाएगी, मैं इसमें मग लगा दूँगा। तो जब तक मशीन हीट होती है तब तक बने रहिए और मेरा वीडियो लाइक कीजिएगा अगर अच्छा लगे, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और थोड़ी देर अगर आप रुकेंगे तो आज आपको मैजिक मग प्रिंट करके मैं मैजिक दिखाने वाला हूँ, बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों टेम्परेचर हो गया है मेरा 323, अभी 350 पहुंच जाएगा और ये मग मैं इसमें लगाऊंगा। अभी जैसे आप देख रहे हैं ये अंदर से वाइट है, बाहर से ये ब्लैक है पूरा। ये बॉटम भी जो इसका देख रहे हैं, हैंडल के आसपास भी, ये सारा वाइट हो जाएगा। जैसे इसको हीट लगेगी ये वाइट हो जाएगा और प्रिंटिंग जो मैं इस पर करने वाला हूँ वो भी जब ये प्रिंट होगी तो तब तक, क्योंकि मग गर्म हो जाता है तो ये बाहर से पूरा वाइट हो जाएगा और फिर धीरे धीरे ये ठंडा होगा और ब्लैक हो जाएगा। तो मेरी मशीन बीप कर रही है, टेम्परेचर हो गया है। मैं इसको आपके सामने मशीन के अंदर लगा रहा हूँ, मग पैड में मैंने लगा दिया है और मैं इसको बंद कर देता हूँ। मैं बीच में मशीन कैमरा बंद नहीं करूँगा, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ क्योंकि मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे हीट मशीन में जाने के बाद मग जो है कैसे धीरे धीरे वाइट भी होता जाता है। तो मैजिक मग में मैजिक क्या होता है। तो अभी ये मशीन में हमने रखा है, हीट हो रहा है, टेम्परेचर आ रहा है, इसमें हीट ट्रांसफ़र तो हो गई जो हमने प्रिंटिंग की है, एज़ वेल एज़ ये वाइट होता जाएगा जैसे जैसे इसको हीट लग रही है। तो बने रही है, मैं साथ साथ आपको दिखाऊंगा। तो देखेंगे अगर ये बॉटम अगर आप देख रहे हैं तो अभी ये धीरे धीरे वाइट होना शुरू हो गया है। देखिए दोस्तों कैसे ये ब्लैक से वाइट होता जा रहा है और ये अभी पूरा वाइट हो जाएगा जैसे जैसे इसको हीट लग रही है। तो ये मैजिक है ये। देखिए दोस्तों वाइट होता जा रहा है ये, और अगर आप ध्यान से देखेंगे हैंडल के दोनों साइड में भी ये वाइट होना शुरू हो गया है। दोस्तों देखिए अब ये काउंटडाउन भी मेरा हो चुका है और ये देखिए कितना वाइट हो गया है मग। और अभी मैं आपके सामने मशीन से निकालूंगा, मशीन बीप करेगी जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा। 350 पे 60 सेकेंड्स के लिए हम यहाँ पे टेम्परेचर सेट करके रखते हैं। मग प्रिंट हो चुका है और आपके सामने मैंने लगाया था, पूरा ब्लैक था और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये वाइट हो चुका है, आप देख रहे हैं। और इस पे जो प्रिंटिंग हुई है वो प्रिंटिंग मैं अभी आपको दिखाऊंगा और थोड़ी देर में ये जैसे जैसे ठंडा होगा मैं इसमें थोड़ा ठंडा पानी भी डाल दूँगा और ये कैसे वाइट से ब्लैक होता जाता है वो मैजिक भी दिखाऊँगा। तो दोस्तों ये देखो, आपने अभी जैसे मैंने आपको दिखाया था कि ये ब्लैक मार्क था और ये प्रिंट हुआ, हीट लगी इसको तो ये पूरा वाइट हो गया। अभी गर्म है तो मैं इसको हैंडल से ही पकड़ूंगा, तो देख रहे हैं आप कैसे इसमें प्रिंटिंग आ गई है और ये पूरा वाइट दिख रहा है आपको। हैंडल इसका अभी ब्लैक है और हीट लगती तो ये और ये भी वाइट हो जाता, लेकिन अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे धीरे धीरे ये ब्लैक हो जाएगा।